डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स प्रेजेंट इन द वाटर। कुछ टॉक्सिक मेटल होते हैं जैसे कि सिल्वर हो गए, मरकरी, कैंडियम, बेरियम, आर्सेनिक। नॉन टॉक्सिक मेटल में सोडियम, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सोडियम अगर ज़्यादा अमाउंट में होता है तो ये हार्ट और किडनी पेशेंट के लिए हार्मफुल होता है, प्लस ये कोरोसिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं और प्लांट के लिए टॉक्सिक होते हैं। सोडियम एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड से डिटरमाइन किए जा सकते हैं। 50 to 250 मिलीग्राम पर लीटर इसके एक्सेप्टेबल लिमिट होते हैं। आयरन और मैंगनीज की बात करें तो आयरन अगर 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है और मैंगनीज 0.05 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होता है तो उस केस में कलर प्रॉब्लम होता है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एफी और एमएन होते हैं वो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एफी एंड एमएन प्रेजेंट इन द सिस्टम ऑफ डिवाइडेड ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एफी और एमएन अगर किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट होंगे तो उस सिस्टम में ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि जब एफी प्रेजेंट होगा तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एफी ओएच का होल टू मतलब आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और एमएन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैंगनीज हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। आयरन के परमिसिबल लिमिट जो होते हैं वो 0.1 मिलीग्राम पर लीटर होते हैं और कॉज ऑफ रिएक्शन 1 मिलीग्राम पर लीटर होता है। मैग्नीज़ 0.05 मिलीग्राम पर लीटर होता है एक्सेप्टेबल लिमिट एंड कॉज ऑफ रिएक्शन 0.5 मिलीग्राम पर लीटर होता है। कॉपर जो होते हैं लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के लिए, ये लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं। कॉपर्स अगर 250 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होते हैं तो ये लैक्सेटिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं।